नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप अपने ही मतलब गांव का हो या गांव के किसी आदमी का हो या दोस्तों अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं दोस्तों, फिर अपना इंटरनेट पर राशन कार्ड नाम चेक करना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं या आपने एक राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था और आपका राशन कार्ड मतलब नाम चढ़ा या नहीं चढ़ा, अब नया राशन कार्ड बना या नहीं बना, या आप नया राशन कार्ड नाम चेक करना सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आज मैं बहुत ही आसान तरीके से बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा दोस्तों कि आपका राशन कार्ड किस नाम से है और आपका जो राशन कार्ड है उसमें कितने यूनिट है दोस्तों। तो सिंपल से आपको दोस्तों इसके लिए करना क्या है, सिंपल से आपको अपना गूगल पे जाना है दोस्तों, ठीक है ना। इस वीडियो को आप फुल कंप्लीट बारी बारी से देखिए दोस्तों, तो आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा और दोस्तों इसके अलावा दूसरा वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है मैं आपको सीधे से बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल से आपको यहाँ पर राशन कार्ड डाल देना है, ठीक है ना। राशन कार्ड डाल दोगे, डालने के बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि जो इस राशन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो दोस्तों कौन होती है दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल आप यहाँ देख सकते हैं जो ऊपर आ रही है दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप कहीं से भी रहते हो दोस्तों, तो दोस्तों बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहां से चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आपका जो राशन कार्ड है वो किस नाम से है और दोस्तों उसमें कितने यूनिट दोस्तों आपने नया जारी किया था वो अभी इंटरनेट पर फीड हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। तो सिंपल से स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है और आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है NFA की पात्रता सूची दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ज़िला आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इस वजह से मेरे उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर जहां से आप रहने वाले हों दोस्तों आपको वहां का सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। आप वहां पर अगर ये राशन कार्ड डाल देंगे तो भी दोस्तों ये पेज आपके सामने आ जाएगा और आपके रहने के हिसाब से आपके सर्वर के हिसाब से कनेक्ट होने के बाद आपके ज़िले वहाँ पर शो करेंगे दोस्तों। तो मेरा यहाँ पर हमीरपुर ज़िला लगता है तो मैं दोस्तों हमीरपुर पर क्लिक करूँगा, ठीक है ना। और क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर बात आएगी कि आप दोस्तों शहरी से हैं ग्रामीण से हैं दोस्तों। अगर शहर से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों ऊपर पर क्लिक करना है, ग्रामीण से हो तो नीचे क्लिक करना है दोस्तों। तो सिंपल से मैं दोस्तों एक गांव का रहने वाला हूं, ग्रामीण से रहने वाला हूं दोस्तों। मेरा ब्लॉक कुरारा लगता है तो मैं कुरारा पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। सॉरी कुरारा पे क्लिक कर दूंगा और कुरारा पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर मुझको अब अपना गांव का नाम देखना होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं अपना गाँव का नाम इस पर देख लूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा, यहाँ पर चकोठी मेरा गाँव का नाम है, चकोठी पर देखूँगा और चकोठी पर जैसे ही मैं खोल लूँगा इसको दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो आपके कोटेदार का नाम है वो नाम आ जाएगा और आपकी राशन कार्ड कितने गांव में है दोस्तों। तो यहाँ पर पात्र जैसे जो राशन कार्ड है वो 226 है दोस्तों। और यहाँ पर बात देखें तो दोस्तों यहाँ पर कोठेदार का यहाँ पर कोठेदार का नाम रंजीत सिंह है, ठीक है ना। और जो अंत्योदय कार्ड है वो 49 है दोस्तों। और तो अब बात करते हैं दोस्तों जो आपका कार्ड है आपने कौन सा कार्ड बनवाया है, अंत्योदय बदम बनवाया है या ये पात्रग्रस्ती बनवाया है दोस्तों। पात्रग्रस्ती वो होता है दोस्तों पीला कार्ड होता है और अंत्योदय जो कार्ड होता है दोस्तों वो रेड कार्ड होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरा पात्रग्रस्ती भी चला जाना है और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक कार्ड चेक करके दिखा देता हूँ जैसे आपने नया बनवाया है दोस्तों। तो पहले अपनी माता के नाम से बनवाया है या फिर अपनी दाई बाबा किसी के नाम से भी बनवाया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मुखिया का नाम आएगा, मुखिया के पिताजी या पिता का पति का नाम आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जरा एक आधार कार्ड मतलब सॉरी एक राशन कार्ड को चेक करके दिखा देता हूँ कि दोस्तों वहाँ पर कितने यूनिट होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 3 यूनिट है दोस्तों। अगर आपके सामने जितने भी यूनिट यहाँ पर यूनिट चेक कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपने नया राशन कार्ड जारी किया है तो दोस्तों आपको वो राशन कार्ड बनने के बाद 40 दिन बाद आपको राशन मिलने लगता है दोस्तों। अगर 40 दिन के लिए दोस्तों वो रोकता है तो वो सोच लीजिए कि वो खुद राशन खा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।